दोस्तों देखो कि जैसे कि हम आज बाम फिशिंग के लिए आए, तो बाम फिशिंग के लिए इसको टेपरी बोलते हैं, और ये भी टेपरी है और ये झींगा है, इसको झींगा बोलते हैं हम। तो बाम फिशिंग के लिए ये दोनों बाइट एक नंबर बाइट है। अगर टेपरी लगाएंगे तो बड़ी पीस लगेगा, और ये झींगे लगाएंगे तो ज़्यादातर इसमें छोटे लगते हैं, क्योंकि छोटे बाम की जो मुँह होता है छोटा होता है, इसके कारण ये छोटा फिश खा लेते हैं। लेकिन जो बड़े बाम रहते हैं उनकी मुंह बड़ा होता है, इसलिए वो टेपरी को खाते हैं, बाकी छोटे बाम इसको नहीं खा सकता। तो बड़ी बाम फिशिंग अगर करना है तो आप ये चारे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत ही शानदार बाइट है, चारा है। अभी हम फिशिंग कर दोस्तों की जैसे कि हमारा फिशिंग बाम फिशिंग चालू हो गया है। ये जो जितने भी सामने बैठे हुए लोग सब हमारी टीम के हैं, अब यहाँ से हम फिशिंग स्टार्ट कर चुके हैं। देखते हैं आज कितने फिश लगते हैं हमारे को। बैठा है।